Oh shit! 7 बजे अबे ओए अबे भाई ओए कुत्ते ओ कुत्ते निकल बाहर मैं जाने वाली थी तू चला गया बाहर निकल जल्दी अबे चलना टाइम लगेगा अभी निकल जा नहीं तो मेरी निकल जाएगी निकल अबे टाइम लगेगा अभी रुक जा जल्दी आ आ जाना ओए अबे निकल जा तो अबे आ रहा हूँ ना 5 मिनट में अबे 15 मिनट हो गए अब तो निकल तो मेरे पे 10 रुपए रिक्शे से जाऊंगी आज मैं तेरे पास 10 रुपए कहाँ से आए कल 5 रुपए भी बचाए थे ना कल के आए चल चल फिर रिक्शा ढूंढ चल चल तू भी जाएगा रिक्शे में और क्या मैं भी जाऊंगा तो फिर तू भी 5 रुपए मिला और चल चल मैं नहीं मिला रहा एक जाए या दो जाए रिक्शे वाला तो 10 रुपए लेगा ना अबे चल चल मैं नहीं लेके जा रही फिर तुझे भगे आ दे हां तो पैदल चला जाऊंगा मैं चल 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 अरे जा तू रिक्शे वाली बन रिक्शा आ जाओ कुत्ते बहने ऐसी होती है ऐसी होती है रिक्शा हम रिक्शे में जा रहे हैं हम नहीं मैं जा रहा हूँ क्यों मैं नहीं जा रही तू क्यों जाएगी 5 रुपए दे जाएगी क्यों कल भी तो मैंने तुझे लेके गई थी वो तेरी मर्जी थी आज मेरी मर्जी चलेगी चल निकल यहाँ से चल चलो भैया कुत्ता कमीना भैया रोकना रिक्शा आजा भाई भैया भगाओ आजा ना आजा आजा आना हाथ देना आ क्यों नहीं रही अरे ये नहीं रुकती पैसे लगते पैसे अबे चल भाई एक बात बता तुझे गली दी नहीं आती है नहीं तो प्लीज भाई बताना देख मैं किसी को नहीं बताऊंगी सच्ची सच्ची प्लीज बताना मैं तेरी बहन हूँ ना प्लीज प्लीज बताना बता हाँ वो कभी कभी साले बहनचो बोल देता हूँ मैं हो तू साले बहन अभी बताती हूँ पापा को तू गाली दे दे अबे तू बड़ी शानी है पहले मुझसे प्यार से पूछ लिया और अब मुझे धमकी दे रही है चल ठीक है अगर तू चाहता है मैं पापा को ना बताऊं तो निकाल 50 रुपए मैं क्यों निकालूं पहले तो मुझसे पूछ लिया और अब 50 रुपए के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही है नहीं दे रहा बोलूं पापा को अरे रुक रुक यार रुक जल्दी जल्दी ना सच में बहुत बड़ी कमी है तेरे साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए तेरी फोड़ दूंगी दिखते नहीं है क्या अंधा मंदा है क्या चार आंखें लगा रही फिर भी नहीं दिख रहा अरे एक रैप्टर में फिसल जाएगा अंधा कहीं का तेरी मोड़ लूंगी जो तुम्हें बाद में देख लूंगा बदतमीज कहीं की निकल चल निकल रुक जा।
इसी दिन के लिए माँ बाप ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था ना। आज तू सिगरेट पी रहा है, कल बियर, फिर शराब, फिर गांजा। बस बस बहन, मैं तो पहली बार पी रहा था, मैं तो ट्राई करके देख रहा था कैसी होती है। प्लीज मम्मी पापा को मत बताइए। सॉरी बहन, सॉरी सॉरी, मैं नहीं पीऊंगा आज के बाद। सॉरी सॉरी बहन। अदिति, तू पकड़ उसे। सिगरेट तो महंगी वाली है। तो मैं बाद में आके खाता हूँ, अब जाता हूँ। मेरी आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन ले गया? तूने मेरी आइसक्रीम खा ली? अरे तो बेटा क्या हुआ, छोटी बहन ही तो है, खा लिया तो क्या हो गया? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, उसे तो मैं देख लूंगा। आया मम्मी। मम्मी ये देखना, दीदी ने मेरे सारे कुरकुरे खा लिए। अरे तो बेटा क्या हुआ, छोटी बहन ही तो है, खा लिया तो क्या हो गया? मम्मी पापा, चल चल। आज तुम तीनों सैंडविच को मैं अकेला खाऊंगा। भाई तेरे को पापा बुला रहे हैं। नहीं तो? तेरे को आवाज नहीं है क्या? पापा बुला रहे हैं यार। नहीं मुझे कोई आवाज नहीं। ठीक है भाई, मत जा, मारेंगे तो मुझे मत बोलियो, मैंने बताया नहीं। बहुत शौक है ना तेरे को मेरी चीजें खाने का, ले अब मेरी टट्टी का। अरे विराट, अदिति नहीं आई अभी तक, 8:30 बज गए हैं। अरे आ जाएगी पापा, क्यों टेंशन ले रहे हो, छोटी बच्ची थोड़ी ना है वो। अरे
अरे बेटा देख लेना जाके कहाँ रह गई वो। अरे पापा गई होगी कहीं सहेलियों के साथ गोलगप्पे गोलगप्पे खाने, क्यों टेंशन ले रहे हो। 8 बजे उसकी छुट्टी होती है, 10 बज चुके हैं, इतनी देर लगती है गोलगप्पे खाने में। 10 बज चुके? तुझे तो चिंता है नहीं अपनी बहन की, मैं ही जा रहा हूँ, पढ़ा रहे तू यहाँ पे। रुको पापा मैं जा रहा हूँ। भाई तुम लोगों ने कहीं अदिति को देखा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? भाई वो ट्यूशन से बहुत देर से निकल चुकी है और अभी तक घर नहीं पहुंची है। अरे भाई क्या बात कर रहा है भाई, तू कुछ कर यार, तुझे पता है ना आजकल कितने नेपोते हैं। अबे चुप कर यार, एक काम करो यार, तुम वहां जाके ढूंढो, मैं वहां जाके ढूंढता हूं। ठीक है यार, जाओ जल्दी जाओ और बताना मुझे मिल जाए तो प्लीज। जाओ अदिति, यहाँ आई है? अगर वो यहाँ है तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। ठीक है? हाँ ठीक है। भगवान क्या ढूंढूं इसे, भगवान अदिति प्लीज मिल जाए यार, मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा, अपनी सारी चीजें तुझे दे दूंगा, अपनी पॉकेट मनी भी तुझे दे दूंगा, तुझे प्लीज मिल जाए यार, कहाँ चली गई ये दीदी। दीदी प्लीज मिल जाए, मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी भी नहीं लड़ूंगा ना मारूंगा, तू जैसा कहेगी वैसा करूंगा, दीदी प्लीज मिल जाए मैं। बेटा कहाँ थी तू? वो बाबा, वो मैं कहाँ चली गई थी तू? पता है आप लोग कितना परेशान हुए थे, आज के बाद मैं तुझसे कभी लड़ाई नहीं करूंगा, पर तू बिना बताए प्लीज कभी भी मत जाइए, कभी भी मत जाइए प्लीज। अरे अरे दूर है, मैं से ती बदबू आ रही है इधर, मैं से मैं रोक क्यों रहा है, यही तो गई थी मैं पास में, शादी हो रही थी, बहुत अच्छा खाना भी था, मुझे तो बहुत मजा आया, तू भी आता। अदिति ऐसे नहीं जाते, और आगे से कहीं जाए तो बता के जाना। तुम्हें लिए रो रहा था ना? नहीं तो बताना, तू रो रहा था ना मेरे लिए? तू वो सब छोड़, तू आज के बाद बिना बताए कहीं मत जाइयो मुझसे, ठीक है? ओके। अच्छा शादी से कुछ खाने का लाई क्या? मैंने लाई हूँ ना, निकाल ये देख, अकेले खाएगा क्या तू? तो तू खा के नहीं आई शादी से? तो तू क्या हुआ? मैं भी खाऊंगी। कमीनी खुद खा के आई और मेरे हलवे की हंसी तैसी कभी तू करती है? तूने तो करा, तूने अपनी हंसी तैसी करा ली, तेरे लिए तो कुछ भी करता। अरे बोट बैठा बैठा चल गया। रिश्ते तो हम दुनिया में कई बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ बहन ही ऐसी है जिसे हम रेपटा मारने के बाद भी मना सकते हैं। लव यू बहन। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? इस साल की 2020 की ये पहली वीडियो है मेरी, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना, और विराट बेनीवाल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लव यू गाइस, बाय।